नमस्कार आपको सभी लोगों को। मैं बहरा मेवारी एवरग्रीन डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से आज फिर आप लोगों के बीच में आज मैं फिर से समास के बारे में थोड़ा सा टॉपिक लेके आया हूँ। कल मैंने बताया था आपको तत्पुरुष समास के बारे में, आज हम देखेंगे समास के अन्य कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है समास में अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की क्या विशेषता होती है, इसमें समास में दो पद होते हैं, एक पहला पद और एक बाद का पद। बाद के पद को उत्तर पद बोलते हैं। तो अव्ययीभाव समास में जो होता है पहला वाला पद कैसा होता है, प्रधान होता है। इस समास की पहचान क्या होती है अपने आप में, इस समास से पहचान होती है, इसमें पहला पद अनु आ प्रति भर यथा यावत हर ये शब्द जुड़े रहते हैं इसके फर्स्ट में। जैसे एग्जांपल के लिए उदाहरण में प्रतिदिन लिखा हुआ है, प्रति शब्द लिखा हुआ है, आजन्म आ पहले लगा हुआ है, यथासंभव में यथा शब्द लगा हुआ है, अनुरूप में अनु लगा हुआ है, भर पेट में भर, प्रतिकूल में प्रति लगा हुआ है। तो यानी कि ऐसे समास के शब्द जिसमें ये शब्द होते हैं, यथा होता है, अनु होता है और वर होता है, हर होता है, यावत होता है, तो और उसमें क्या होता है अपना पहला वाला पद प्रधान होता है, तो अभी भाव समास होता है। ठीक, नेक्स्ट सेकंड हमारे पास आता है, सेकंड समास का टाइप हमारे पास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, बाद वाला पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और जहां पर प्रथम पद पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय की और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य की बात जहां होती है वहां पर क्या होता है कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास विग्रह करने पर के समान या फिर जो के समान जो चिन्ह देते हैं, जैसे चरण कमल लिखा हुआ है तो कमल के समान चरण, कमल नयन कमल के समान नयन, प्राण प्रिय प्राण के समान प्रिय, है ना, के समान, और जैसे परमानंद परम है जो आनंद जो जहां आ गया है, विग्रह करने पर के समान और जो जहां पर उत्पत्ति होती है जिन शब्दों की तो वहां पर होता है कर्मधारय समास। ठीक, नीलकंठ नीला है, जो कंठ है तो जो आ गया वहां पर, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। ठीक, उसी के बाद आगे देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद जो होता है उसका पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, संख्या मतलब एक दो तीन चार पांच ऐसे संख्याएं दी रहेंगी। जैसे आपको सप्त चिन्हों में सात हो गया, देखो चौराहा चार रास्तों का समूह, सप्ताह सात दिनों का समूह, ऐसे तिरंगा तीन रंगों का है ना, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, त्रिलोक नवरात्र दोपहर पंचमणि त्रिकोण है ना, जिसमें तीन कोण होते हैं, थ्री एंगल जिसमें होते हैं वो त्रिकोण हो गया है ना, त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर क्या होता है पहले पद में क्या दिया रहता है, पहले पद में संख्या दी रहती है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन, पाप पुण्य है ना, नदी नाले, राधा कृष्ण, और बीच में दो शब्दों के बीच में हाइफन योजक चिन्ह का प्रयोग होता है ना, माता पिता है ना, बीच में से एक हाइफन होगा ऐसा डैश टाइप का। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारे पास बहुव्री समास। बहुव्री समास में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है इसे, बल्कि इसमें हम देखते हैं तो दोनों पदों को मिलाकर एक तीसरा अर्थ निकलता है, उसे बोलते हैं बहुव्री समास। जैसे नीलकंठ नीला है जो कंठ, अर्थात भगवान शिव। अगर खाली नीला है जो कंठ हम करते तो वो कर्मधारय होता नहीं, तो जो तक अगर हम करते, लेकिन हमने उसका मीनिंग अर्थ भी निकाल दिया, थर्ड मीनिंग में हम गए शिव हो गया, तब जाके क्या हो गया बहुव्री समास। कहने का मतलब है कर्मधारय समास है, अगर बहुव्री नहीं है तो कर्मधारय होगा नीलकंठ में, अगर कर्मधारय और बहुव्री दोनों ऑप्शन में तो फिर बहुव्री में हम जाएंगे। नेक्स्ट है महान वीर, महावीर महान है जो वीर, दशानंद दस है आनंद जिसके, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मंत्रियों में जो प्रधान है प्रधानमंत्री, मृगेंद्र मृग के समान, मृगेंद्र मृगों का राजा मतलब शेर की बात हो रही है ना, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाले भगवान शंकर। तो यहाँ पर तीसरा ही अर्थ निकल रहा था, ये सारे एग्जांपल बहुरी समाज के थे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।